दोस्तों संजय गैड के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने ANM, GNM, BSc नर्सिंग का ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और वे इंतजार कर रहे हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का। तो JCCV बोर्ड के द्वारा जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है जारी कर दिया गया है, ठीक है। आपने यहाँ स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा ये आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का जो डेट है जारी करने का 5 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है आप कैसे देख सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको वेबसाइट पर आपको जाना होगा jccb.jharkhand.gov.in। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं डाउनलोड सेक्शन, ठीक है। इस डाउनलोड सेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग जो लेटर है अलॉटमेंट लेटर ANM NGNM का 5 जनवरी 2022 को जारी कर दिया गया है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर को देखने के लिए आपको व्यू पेज सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे PDF फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से ANM GNM का जो PDF फाइल है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये खुलकर आ गया आपका, ठीक है। इसमें आप सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, सारा लिखा हुआ, CML रैंक भी है आपका, कैटेगरी रैंक है आपका, जो भी कॉलेज मिला हुआ है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्लस आपका एलोटेड कोर्स जो कोर्स मिला हुआ है ANM मिला है कि आपको GNM मिला है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, प्लस इंस्टीट्यूट सीट का जो टाइप है GC है जनरल कैटेगरी है, और आपका जो एलोटेड कैटेगरी मिला हुआ है जनरल मिला। मान लीजिए आप BC2 कैटेगरी के अंदर है लेकिन आपका जो सीट अलॉट किया गया है एलोटेड कैटेगरी है वो जनरल है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट को ये जो सीट है मिला हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। 9 पेजेस का है पूरा टोटल आपका 9 पेज का है, जिसमें 413 स्टूडेंट का आपका सीट अलॉट किया गया है। उसी प्रकार आपका अगर आपने BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है तो इसमें जो एक ही कॉलेज था इसमें रिम्स BSc नर्सिंग कॉलेज रिम्स रांची, ठीक है। इसमें 50 सीट अवेलेबल था जिसमें 50 स्टूडेंट का आपको मिला होगा, देख सकते हैं आप नीचे देखिए 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, ठीक है। उसको आपको CML रैंक के अनुसार कैटेगरी के रैंक के अनुसार यहाँ पे उनका कॉलेज मिल चुका है ना। एलोटेड कैटेगरी आपका चाहे आप BC2 के अंदर गए चाहे SC ST के अंदर का आपका जो कैटेगरी एलोटेड कैटेगरी यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको JCCV बोर्ड पे आपके वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पे देखिए जहाँ से आपने काउंसलिंग किया था उसी पर आपको जाना होगा। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग के लिए आपने यहाँ से काउंसलिंग किया होगा, फिर उसके बाद ANM GNM के लिए यहाँ से काउंसलिंग किया होगा, है ना। किसी पर आप एक बार क्लिक करके देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने पहली बार आप ये किए होंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से लेना होगा और साइन इन करना होगा, ये थे, ठीक है। आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको जो मोबाइल पे यूजर नेम और पासवर्ड मिला था यहाँ पे आपको डाल देना है और डाल के उसको सबमिट कर देना है। अब जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपका वहाँ पे आप देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर, वहाँ पे लास्ट में आपको नीचे वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप अपना कॉलेज को आप देख सकते हैं, प्लस आपका जो जो आपका डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा वहाँ स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लेके जाना है। अगर कॉलेज में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप उस कॉलेज के वेबसाइट पर आपको जाकर उसके जो रोल नंबर उसका जो मोबाइल नंबर है या कस्टमर केयर का नंबर है उस पर आप कॉल करके सारा क्लियरेंस है आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और किस डेट को आपको लेके जाना है, ठीक है। यानी आपको जो 15 जनवरी 2022 आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल चुका है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आपको जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने कॉलेज में आपको जाना है और एडमिशन करवा लेना है, ठीक है। एडमिशन आपको तुरंत ही करवाना होगा, जो डेट आपका 15 जनवरी 2022 के बीच आपको कर देना है, उसके बाद आपका जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है खत्म हो जाएगी, आप फिर आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए 15 जनवरी 2022 के अंदर ही आपको सारा चीज़ जो प्रक्रिया है आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 15 जनवरी 2022 तक आपको कर देना है, ठीक है। जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स
आपका सीट अलॉटमेंट लेटर में आपको जो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, आपको जो लिखा हुआ रहेगा वो आपको लेके जाना होगा, ठीक है। अब जिन विद्यार्थियों का सीट अलॉट नहीं किया गया है यानी सीट नहीं मिला है, उन्हें फिर अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उनको जाना होगा, ठीक है, चाहे एएनएम का है, चाहे जीएनएम या बीसीए नर्सिंग का हो, ठीक है। उनकी जो प्रक्रिया है सीट मैट्रिक्स का, वो आपका डिस्प्ले किया जाएगा 20 जनवरी 2022 को। जो भी सीट बचेंगे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा सीट मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 22 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 के बीच फिर से सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, यानी फॉर्म फिलअप करना होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, और जो फीस है वो भी फिर से पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपका 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच किया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी सीट मिलेगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आपको कॉलेज को एडमिशन करवाना होगा, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।